सर्वप्रथम परमाध्यक्ष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अखिलेश्वर जगत नियंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान देव की हलाद कर्ता नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजेंद्र चंद गोपी प्राणवल्लभ नव योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए, अगर देखा जाए तो महाराज राजेश्वरी जगत जननी जगदम्बिका आह्लादिका आद्याशक्ति भगवती का ये सुंदर प्रांगण और मैया जगत जननी के इस सुंदर पावन प्रांगण में अगर देखा जाए नंद नंदन भगवान की साक्षात उपस्थिति। देखिए ये देवी जी की बहुत बड़ी कृपा है, ये नारी स्वरूपा ब्रह्म की बहुत बड़ी कृपा है कि आज शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष में आपके इस पावन धरा पर आपके इस पावन ग्राम में अगर देखा जाए। हाँ भाई, नाम क्या है इस ग्राम का? लीला पुरवा, यही तो है भाई। और यहां पर आप सभी लोग नित्य प्रति माता जी के सुंदर सुंदर लीलाओं को देख रहे थे। किसके माध्यम से? झांकियों के माध्यम से सचित्र प्रदर्शित किया जा रहा था। और आज आप सभी का बहुत बड़ा भाग्य है कि यहां पर आदरणीय करण जी के द्वारा एक बढ़िया सुंदर दिव्य प्रवचन का आयोजन किया गया। देखिए झांकी भाई, आज जो झांकी यहां आती है वही झांकी टीवी पर भी दिखाई जाती है, लेकिन जब सामने से देखते हो तो अच्छा लगता है ना। ठीक उसी प्रकार से जब व्यक्ति की बहुत बड़ी भाग्य होती है, बहुत बड़ा भाग्य होता है वो, तब ऐसे सुंदर कथा मृत का रसास्वादन करने का ये सुंदर अवसर प्राप्त होता। देखिए सब मिल जाता लेकिन सत्संग सुनना साधारण नहीं है। हाँ भाई, यह ऐसे थोड़ी ना प्राप्त होता है, बताया गया। और भागवत सुनना ऐसे थोड़ी ना प्राप्त होता है, देवी जी के चरित्र को सुनना ऐसे थोड़ी ना संभव होता है। एक कैसे संभव होता है हो? कि कोटि जन्म के पुण्य जब उदय होत एक संग, अछोटे मन की मलिनता तब भावे सतसंग। जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर और युग युगांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब ऐसी सुंदर कथा अमृत का रसास्वादन करने का उसे ये सुंदर अवसर प्राप्त होता है। देखिए शारदीय नवरात्रि का महीना मिल जाए, देवी जी की पावन उपस्थिति मिल जाए और देवी जी के पावन प्रांगण में देवी जी की पावन कथा को सुना जाए, ये कब संभव है? जब परमात्मा का आशीर्वाद होगा, जब नारी स्वरूपा ब्रह्म का आशीर्वाद होगा तभी यह संभव है। वरना जिस समय आज आप कथा के पावन पांडाल में बैठ करके सुंदर कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, जरा सोच कर देखिए, ठीक इसी समय हो कोई अपने परिवार के लोगों को लेकर के पीजीआई में भर्ती होगा, तो कोई ट्रामा सेंटर के चक्कर काट रहा होगा, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा होगा, कोई डॉक्टरों के यहां जाकर के भाग रहा होगा। लेकिन अगर मैया ने, अगर परमात्मा ने आप सबको इन सब से अलग कर रखा है, तो ये थोड़ा सा समय तो निकालना ही चाहिए सत्संग के लिए। निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? हाँ भाई। और ये जान लीजिए कि अगर हृदय में ज्ञान प्राप्त करना है तो बगैर सत्संग के बगैर साधना के संभव नहीं है। बताया गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। हाँ भाई, बगैर सत्संग के कैसे प्राप्त होगा हो? और राम कथा बिन सुलभ न सोई। हाँ, कथा एक ही है, चाहे नारी स्वरूपा ब्रह्म की कथा सुन लो, चाहे भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुन लो, और चाहे भगवान श्री राम के चरित्र को सुन लो। ये चरित्र आज बहुत है हो,
साफ सुनाया जाएगा। आ जाए, ज्यादा समय ही नहीं है, एक दो दिन बस, तो आ जाए, चलो पूरा श्रीमद् भागवत सुन लिया जाए, आ जाए पूरा देवी भागवत सुन लिया जाए, आ जाए पूरा राम कथा सुन लिया जाए, हो बहुत कम समय में। हाँ, लेकिन सुनने से पहले चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा, मन को एकाग्र करना पड़ेगा। सब तो समझ में आ जाता है, लेकिन कथा में मन लगाना पड़ता है। अन्य जगह मन अपने आप लग जाता है, लेकिन कथा में व्यक्ति को मन लगाना पड़ता है। इसलिए चित्त को शुद्ध करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। क्यों करेंगे हो? भगवान बताते हैं कि जहां निर्मल मन होता है, जो निर्मल हृदय होता है, उसमें मेरा वास होता। हाँ भाई, कि निर्मल मन सोई जन मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने कहा कि नहीं कहा कि जिनका मन निर्मल होता है उन्हें मैं प्रेम करता हूं, उनके हृदय में जाकर के बसता हूं, मेरे को ईर्ष्या मत्सर द्वेष विकार छल प्रपंच प्रमाद नहीं पसंद है। तो चित्त को शुद्ध करने के लिए और मन को एकाग्र करने के लिए, मान लीजिए बाहर का शरीर है ना, ये शरीर मान लो गंदा हो गया, ठीक है, तो इसको भाई साबुन है, पानी है, पानी डालोगे, साबुन लगाओगे, धुलोगे, स्वच्छ हो जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे जो लोग हैं, हाँ भाई कुछ साबुन लगाओ, कुछ फेस वॉश लगाओ, सब काम बढ़िया से हो जाता है। हाँ, साबुन लगाओ धुल जाएगा, लेकिन अगर हृदय गंदा हो गया, अगर हृदय में ऐसी बातें आ गई, तो वो कैसे स्वच्छ होगा? हो वो भगवान नाम संकीर्तन से होगा, ईश्वर के नाम के संकीर्तन से होगा। ये किस लिए होगा? हो आधार किसी ना किसी को बनाना पड़ेगा, अगर भवसागर को पार करना। ये कलिकाल है, ये कलयुग है, और कलयुग में बताया गया है, क्या बताया गया है हो, कि कलयुग केवल नाम आधारा, असुमेरे सुमेरे नर उतर है पारा। हाँ भाई, जैसे नरेंद्र मोदी जी तो बाद में बताइन हो कि आधार कार्ड सबे बनवाई लियो, तुलसीदास जी बहुत पहले बताई गया रहा कि जब कलयुग आएगा तो बगैर आधार के कोई काम नहीं होगा। हाँ, कोटा मा जाओ राशन लेकर, तिर कहीं आधार लाओ, टिकट बनवाने के लिए जाओगे कहेंगे आधार लाओ, हाँ बैंक में जाओगे कहेंगे आधार लाओ। तो तुलसीदास जी बहुत दूरदर्शी थे, बहुत सोच समझ करके लिखे थे। क्या लिखे? कि कलयुग केवल नाम आधारा, असुमेरे सुमेरे नर उतर है पारा। आधार बनाना पड़ेगा अगर भवसागर को पार करना है तो। अब अगर भवसागर को पार करना है तो भाई किसे आधार बनाए? क्योंकि जो अपना सनातन धर्म है, इस सनातन धर्म में देवी देवताओं की कमी नहीं है। हाँ हो, जिसको मन करे उसको भजो, ऐसे थोड़ी ना है कि यक्के ठौरिया है, अगर वह ना मिले तब फिर का हो यहाँ ना। ये सनातन धर्म, यहां देवी देवताओं की कमी नहीं है, 33 कोटि देवता है। मन चाहे राम को भजो, मन चाहे कृष्ण को भजो, मन चाहे जगत जननी जगदम्बिका आलादिका आद्या शक्ति को भजो। जिस किसी को भी आधार बना लोगे कल्याण हो जाएगा। ए, किसको आधार बनाया जाए? कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, और उतर ही नार भव सिंधु अपारा। उस नाम के सानिध्य को ग्रहण करो, जिस नाम को लेने के पश्चात भव सागर छोटा दिखाई पड़े। हो कौन सा नाम है?
वही नाम है जिसको हनुमान जी ने लिया था, सन्न से समुद्र पार कर गए थे वो। तो चित्त को शुद्ध करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। उसके पश्चात जो कुछ थोड़ा सा समय है, काहे कि बोले के लिए अगर कहा जाए तो जब ईश्वर की कथा चलने लगे हो दो चार दस घंटा माने कुछ नहीं। हाँ यह चक्कर बैठक बात, एक ही चरित्र पकड़ लियो पांच घंटा सन्न से निकल जाए। हाँ ये स्थिति, तो जो समय मिलेगा उसी समय में भगवान नाम संकीर्तन किया जाएगा। बढ़िया सुंदर है, वेद शास्त्र पुराण इतिहास विज्ञान समन्वित कथाएं सुनी जाएंगी। हो अगर थोड़ा सा ही अवसर मिला है तो ये अवसर गंवाया नहीं जाएगा। प्रेम से बोलेंगे कि मेरे दो आधार सीता राम के चरणारविंद, 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 राम के चरणारविंद, राघव 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 के चरणारविंद, मेरे आधार राधा श्याम के चरणारविंद, मेरे दो आधार राधा श्याम के चरणारविंद, मेरे दो आधार राधा श्याम के चरणारविंद, मेरे दो आधार राधा श्याम के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद, कृष्णा 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 के चरणारविंद, मेरे दो आधार राधा श्याम के चरणारविंद, मेरे दो आधार राधा श्याम के चरणारविंद, मेरे दो आधार सीता राम के चरणारविंद। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, बोलिए नंदनंदन भगवान की जय हो। ए, तो आधार बनाना पड़ेगा। अब चाहो जगत जननी जगदम्बा को बना लो, आपके पीछे हैं, और ईश्वर सबके पीछे होता है ये ध्यान में रखना। और ये संयोग ही है कि आज आप आगे हैं, दुर्गा जी पीछे हैं, हो है कि नहीं। इसीलिए कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना कि समाज नहीं देख रहा है लेकिन वो परमात्मा देख रहा है। इसलिए बताया गया है भजन क्यों कराया जाता है, सत्संग क्यों कराया जाता है, कीर्तन क्यों कराया जाता है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो चरण धीरे धीरे। हाँ भाई, जाना है तो परमात्मा की चरण में जाओ, और आना है तो परमात्मा की शरण में आओ। परमात्मा से बनेगा तो सबसे बनेगा, और परमात्मा से नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा। हाँ भाई, अगर मैया जी के चरणों को समय रहते पकड़ लोगे
तो समाज में किसी के चरण को पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि नाम जप करो, सत्संग करो, कीर्तन करो, माता रानी का नाम लेते रहो, ईश्वर का नाम लेते रहो, राम का नाम लेते रहो। और राम का नाम लेते रहोगे तो भवसागर पार कर जाओगे। हाँ भाई,